पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक, प्रखंड के चार्ज सेंटर पर की गई बैठक। चौसा पावर प्लांट की स्थिति शांतिपूर्ण, अपने काम पर लौटे पावर प्वाइंट के कार्यकर्ता। भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री का बयान, सरकार से किया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सांसद अश्विनी चौबे पहुंचे बक्सर, किसानों ने किया जमकर विरोध। विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस जुटी मामले की जांच में। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर भागलपुर से है, जहां डारा पंचायत के 14 वार्ड सदस्यों में से 10 वार्ड सदस्यों ने मुखिया संजीव कुमार सहायक उर्फ पप्पू सहाय पर गंभीर आरोप लगाते हुए भागलपुर डीडीसी को लिखित आवेदन दिया। और सदस्यों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद कभी भी वार्ड सदस्य के साथ कार्यकारिणी बैठक नहीं की गई। नाचते हुए तो वो तो बोल रहे हैं कि मेरा पैसा ही है, ये नाचने कूदने का मेरा आदत पहले से बना हुआ है। अभी तक कोई काज करने का बैठक नहीं किया है। मुखिया अपने मन से मनमानी ढंग से काम कर रहा है, जो मन में आता वो करता है। बगैर कार्यकारिणी का बैठक किए बिना ही वो अपने वह काम कर रहा है मनमानी ढंग से। जब से इलेक्शन हुआ है अभी तक कार्यकारिणी का बैठक भी नहीं हुआ है। अनाप शनाप काम करता है, और जैसे कोई भी बात होता है हम लोग को टोकबेन करता है, कैसे होंगे नहीं होंगे कोई बोलते हैं तो जाओ जिसको करना जाके जो भी। वर्ष हो गया चुनाव को? एक साल। अभी तक मुखिया जी कार्यकारिणी का बैठक नहीं किए हैं अब तक, और ना ही हम लोग को पूछा जा रहा है और ना ही कभी मीटिंग करते हैं। चुनाव के बाद एक भी बार कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई? नहीं हुई। आप लोगों ने इसके खिलाफ कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? अभी तो फिलहाल हम लोग डीडीसी को ही दिए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे। कृष्णा, ग्रामीणों ने मुखिया पर गंभीर आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? वार्ड सदस्यों ने लिखित में आवेदन देकर के साथ की गुहार लगाया है डीसीएलआर को। यहाँ पे भागलपुर में दिया गया है आवेदन कुछ दिन पहले ही, और इस मुखिया पे पहले भी आरोप लगा था कि मतलब कि नाचने का, बहुत सारा आरोप इनपे पहले भी लग चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद इस वार्ड को भी बोला, वार्ड ने बताया कि अगर इसका कुछ करते हैं तो गाली गलौज करवाता है, कुछ आपत्ति दारू पिला करके आपत्तिजनक लोगों से गाली गलौज करवाते हैं, मारपीट का उतारू हो जाता है। इसी कारण हम सबको इसके लिए लिखित में आवेदन हम थाने में भी देंगे। जी धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारियों के लिए। नरकटियागंज प्रखंड के चार्ज सेंटर पर गुरुवार को सभी पर्यवेक्षकों की एक समीक्षा बैठक की गई, और बैठक की अध्यक्षता चार्ज अधिकारी सह बीडीओ सतीश कुमार ने किया। बता दें, बैठक के दौरान प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों से जाति गणना से संबंधित रिपोर्ट ली गई, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं बीडीओ श्री कुमार ने बताया कि जाति गणना 2022 को समय से कैसे पूरा करना है, इस पर गहनता से चर्चा की गई। खबर बक्सर से है, जहां बक्सर चौसा पावर प्लांट में हुए उपद्रव मामले में शाहबाद रेंज के डीआईजी पूरी तरह से सख्त हैं, और घटनास्थल पर अभी तक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौकस है। फिलहाल अभी तक घटना की कोई सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य और सुरक्षित है। पावर प्लांट में दैनिक काम करने वाले कार्यकर्ता अपने ड्यूटी दे रहे हैं। बताते चलें कि डीआईजी नवीन चंद्र झा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। मामला था कि किसान अपने अधिकारों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर अपना अधिकार मांग रहे थे, और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन
12 बजे रात्रि को किसानों के घरों में घुसकर उनके महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को बेरहमी से पिटाई किया था, जिसके चलते उग्र होकर किसानों ने यहां पर पावर प्लांट पर आगजनी की। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यहां का स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। यहां पर पावर प्लांट में जो भी कार्यरत स्टाफ लोग हैं यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, शुरुआत हो रही है, और यहां पर ऐसा कोई मामला सामान्य है और यहां पर कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो यहां पर हल्ला गुल्ला कर सके। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान बोलने पर बिहार ही नहीं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि कई हिंदू संगठनों के लोग और बीजेपी के कई नेता ने भी इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से मांग किया है कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। इसी कड़ी में छातापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे। शिक्षा मंत्री ही इस तरह का विवादित बयान देंगे तो बिहार में शिक्षा का क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि इस राज्य सरकार का एक शिक्षा मंत्री किस तरह का विवादित बयान देता है, जो वर्षों पुराना हम समझते हैं कि एक हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, एक हिंदू धर्म के भावना को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान दिया है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी धर्म को विशेष को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। और अगर ऐसा बयान देंगे तो हिंदू धर्म के लोग भी पूछेंगे कि रामचरितमानस का अगर गलत है तो तुम जवाब दो, तुम कौन से धर्म के लोग हो। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के शीतला स्थान रोड स्थित एक मकान में देर रात युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बता दें मृतक युवक बांका के रजौन का रहने वाला था और भागलपुर में रहकर वो TNB कॉलेज में पढ़ाई करता था। वहीं देर रात रूममेट ने इसकी सूचना मकान मालिक व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रूममेट को कस्टडी में लिया और पूछताछ में जुट गई। 9:40 में फोन गया उसके रूम पार्टनर का, जो कि उसका नाम है गौरव कुमार। बोला कि अंकल राजा सब पूरा पैक रूम कर लिया है, गेट वगैरह नहीं खोल रहा है, सो आप जल्द से जल्द भागलपुर आइए। उसके बाद हम ज्यों त्यों घर से वहां से निकल ही चुके हैं। रास्ते में हम फोन लगाते रहे, फिर वो रिसीव नहीं किया। फिर मेरा भतीजा उसको कॉल किया तो एक बार बात करके फिर वो कॉल रिसीव नहीं करने लगा। कॉल नहीं रिसीव करने के बाद फिर एक बार मेरे बड़े भाई चचेरे आशीष कुमार सिंह वो भी कॉल लगाए, उनके नंबर से जब बात किए तो बोले कि बताओ तुम क्या बात है, हम उसके पापा बोल रहे हैं। तब बताया कि वो राजा सुसाइड कर लिया है। खबर नालंदा से है जहां चंडी मिशन निर्माण, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वास्थ्य बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत जिला अंतर्गत चंडी प्रखंड के अमरौरा पंचायत में द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। इस मौके पर नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और अमरौरा पंचायत के मुखिया व जिला परिषद अध्यक्ष के साथ समाज सेवी ने हरी झंडी दिखाकर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर प्रमुख हरनौत विधायक हरि नारायण सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। प्रबंधक के द्वारा लोहिया के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये अमरौरा पंचायत के मुखिया के द्वारा किया गया है। इसी के रूप में हमारे हरनौत विधानसभा के विधायक हरि नारायण बाबू एवं नालंदा विधानसभा क्षेत्र के सांसद कौशलेंद्र जी एवं नालंदा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी जी शामिल हुए। जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी देवी कुछ संदेश दिए है कि गांव को स्वच्छ रखना है, गीला कचरा सूखा कचरा है जो कि अलग अलग में रखने के लिए दिए संदेश, साफ सुथरा बनाए रखना के लिए मिलेंगे। ये प्रोग्राम किया गया है हमारे ग्राम पंचायत अमरौरा के ग्राम अमरौरा में। प्रमोद कुमार नाम मेरा। खबर बक्सर से है जहां केंद्रीय मंत्री और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे किसानों के
बीच पहुंचे और उस दौरान वहां जमकर विरोध होने लगा। बता दें कि गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और अश्विनी चौबे को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और आक्रोशित लोगों की भीड़ को देख सांसद को वहां से भागना पड़ गया। और दूसरा, पानी के लिए पाइपलाइन लाना, इन दोनों को आप किसानों से ही बात करके, आप किसानों के नेताओं से बात करो, आप जनप्रतिनिधियों से बात करो और किसानों का जो उचित मुआवजा है उसको उचित मुआवजा मिले। आप इसके लिए एक्विशन में मत जाओ, बल्कि आप डायरेक्ट किसानों से बात करो तो उनको जो सही दाम होगा वो किसान दाम देगा और आप उतना दाम का भुगतान कर दो। खबर भागलपुर से है, जहां नाथनगर में एक विवाहिता के साथ तीन दरिंदों ने मिलकर रेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल महिला का आरोप है कि महिला घर से शौच के लिए जा रही थी, तभी गांव के तीन युवकों ने उसके साथ मिलकर जबरदस्ती रेप की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच शुरू की। मारा मम्मी पापा और बहन ने उसका सामने में हमको मारा भी। कारण वही, हम जा रहे थे टॉयलेट करने के लिए, अपने ऐसे मतलब पकड़ करके और ऐसे ऐसे घटना कर दिया। कहाँ पे? उसका द्वार पे, उसका घर के पास। कौन है वो आपका? मेरा कोई नहीं है सर। के साथ वही रेप किया है। कौन? रोहित यादव और शिव यादव और इसका नाम का है क्या? हाँ, का है? वो आ रहा था, मैंने बाथरूम मैंने पखाना आया था, वो तीनों भाई बैठा था, वो तीनों भाई बस इसको देखा, बस दौड़ को पकड़ लिया। वो दिलीप कुमार और खबर भागलपुर से है, जहां व्यवहार न्यायालय कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने की चैम्बर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधिवक्ताओं के बैठने की चार जगहों तक फैल गई, जिसके बाद कुर्सी और टेबल पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वहीं आनन फानन में आम लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है, जहां रामनगर में सम्राट अशोक भवन निर्माण के लिए नगर परिषद रामनगर कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पे गैर मजरूआ जमीन है जिस पे हम लोग सम्राट अशोक भवन बना रहे हैं, जिससे नगर में अगर कोई भी विवाह होता है तो सम्राट अशोक भवन उसको मुहैया कराया जा सके ताकि उनका विवाह।
खबर नवादा से है, जहां नवादा नगर निकाय चुनाव के एक महीने बाद कलेक्ट्रेट के डीआरडीए भवन में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद को शपथ दिलाया। और शपथ दिलाने के पहले नवादा सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती और उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने सभी वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाया। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में नवादा के कुल 44 वार्ड में चुनाव हुए थे, लेकिन 43 वोटों का चुनाव का परिणाम आया था, जिसके चलते सभी वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाया गया। मुख्य पार्षद ने बताया कि शहर को साफ सुथरा करवाएंगे और महिलाओं के लिए शौचालय बनवाएंगे। मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जैसे मैं पूरे फेस को अच्छे मतलब उसे कन्वर्ट करती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नवादा को भी उसी तरह खूबसूरत सा बनाऊँ। नवादा शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाऊँगी, ग्रीन नवादा करूँगी। महिलाओं को शौचालय बनाएंगे और बच्चों और बूढ़ों वृद्ध लोग के लिए पार्क का व्यवस्था करवाऊँगी। खबर रोहतास से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव में विजय उम्मीदवारों के शपथ के आलोक में जारी अधिसूचना के बाद अपर समर्थ और सह अपर जिला दंडाधिकारी ने जिले के अंतर्गत बस स्टैंड डेहरी के सभागार भवन में डेहरी डालमिया नगर परिषद के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद शशि कुमार, उप मुख्य पार्षद रानी कुमारी सहित 39 वार्डों के पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। डेहरी नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था विगत कुछ दिन पल पूर्व, इसके बाद 13 तारीख को पूरे बिहार में शपथ ग्रहण का आयोजन है। इसी क्रम में मैं एज एडीएम आपके बीच आया और यहाँ के जो माननीय मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं और माननीय सभी हमारे पार्षदगण, उनको शपथ ग्रहण का समारोह संपन्न हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐतिहासिक नगर पहली प्राथमिकता होगी वेंडर जोन का जल्द से जल्द निर्माण कराना। जितने भी कार्य मतलब बंद पड़े हैं उसको जल्द से फाइल खुलवा करके उसे पूरा कर। हेलो चलिए, मैं शशि कुमारी, मैं अपने डीडी डलिया नगर के लिए स्वच्छ और सपना है मेरा स्वच्छ बना और आगे बढ़ाए। जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे, उन अपेक्षाओं को कितनी खरी उतरेंगी आप? मैं जनता के लिए जिस तरह मेरे कदम से कदम मेरे जनता हम मिलाकर चली है, मेरा भी सपना है अपने जनता को कदम से कदम मिलाकर के साथ। खबर मोतिहारी से है, जहां बिहार पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी बाजार में मकर संक्रांति को लेकर काफी भीड़ देखी जा रही है और दूसरी ओर जोरों शोरों से तिलकुट लाई की बिक्री हो रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खरमास समाप्त होता है उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। ये कितने दिन के लिए खरमास लगा रहता है? अब तो लगभग एक महीना। कै तारीख से कै तारीख तक लगता है? 14 तारीख से 14 तारीख तक। इसमें हिंदू धर्म के मुताबिक इसमें कोई शुभ काम होता है कि नहीं जो खरमास रखता है? खरमास में हिंदू धर्म के अनुसार कोई काम नहीं होता है, इसलिए समाप्त होने के कगार पर है। इसके लिए लोग बाजार में भीड़ है। क्या खरीदारी करते हैं इसमें? तिलवा लाई सब्जी ये सब खरीदारी जो करते हैं। क्या नाम हुआ ये? आपका नाम क्या हुआ? ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या कारण? कारण यही है कि खरमास जो 14 जनवरी को लगता है, दिसंबर को लगता है, जो 14 जनवरी को उतरता है, सो शुभ काम अब इसके बाद करना चाहते हैं लोग, इसलिए इसका समाप्त किया जाता है खरमास। आज आपके दुकान पर बाजारों में हर जगह क्या चीज़ के लिए खरीदारी के लिए निकला? चूड़ा मिठा। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। बेचेला।
काहे ला ये महीना में लोग बेचेला खिचड़ी के खिचड़ी मनावल जाई एतवार के एतवार के ई हर साल बनाया जाला हां हर साल बनेला काहे ई पर्व मनावल जाला रो बतावल जा कि आप ये खिचड़ी के दिन बा त मनावल जाले हां वाला एक मनावल जाला हां मनावल जाला अच्छा हर साल के भाती ऐसा कैसन भीड़ बा भीड़ ठीक बा चल रहल बा अरे दुकान चल रहल बा हां एमे पूरा बाल बच्चा के लगैले बानी हां खबर मोतिहारी से है जहां चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला अधिकारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित राधाकृष्णन भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मोतिहारी नगर निगम के मुख्य पार्षद प्रीति कुमारी व उप मुख्य पार्षद डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता के साथ सभी 46 वार्ड पार्षदों ने शपथ लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद अब सभी प्रतिनिधि नगर विकास विभाग के गाइडलाइन के तहत नगर के विकास का कार्य करेंगे। पूर्वी चंपारण में जो हमारे नगर निकाय के नव निर्वाचित सदस्य हैं उनका शपथ विधि समारोह राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे 5 नगर निकाय में यह चुनाव हुआ था। यहाँ पे राधाकृष्ण हॉल में मोतिहारी नगर निगम की जो सबसे बड़ा नगर निकाय है पूर्वी चंपारण जिले का उसका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हुआ है। माननीय जो हमारे महापौर है मुख्य पार्षद है श्रीमती प्रीति कुमारी माननीय उप महापौर जो है डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी इनको शुभकामनाएं देते हैं और नए निर्वाचित जो हमारे माननीय पार्षदगण भी है 46 वार्ड के उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। शपथ ग्रहण विधि यहाँ पे हो चुका है और अब जो है नगर निकाय जो है जो म्युनिसिपल एक्ट है भारतीय संविधान है और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके तहत जो है कार्य जो है करने के लिए जो है तैयार है। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज नगर परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को अनुमंडल के सभागार भवन में उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि नरकटियागंज में कुल 25 वार्ड हैं और यहां सभापति पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है। उपसभापति एवं वार्ड पार्षद पद के लिए पहले चरण में 18 दिसंबर को मतदान किया गया था जिसमें जीतने वाले सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज में बिजली विभाग की टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर शहर में छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान अभियान के विभाग ने बिजली चोरी करने के मामले में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही विभाग ने इन पर करीब 25,99,178 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें अभियान का नेतृत्व कर रहे शहर के विद्युत कनीय अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर सहायक विद्युत अभियंता प्रशांत कुमार की देखरेख में टीम गठित कर छापेमारी की गई है। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में शुक्रवार को प्रखंड के सभी मुखिया ने प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों एवं कर्मियों की लापरवाही के विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान मुखिया संघ द्वारा पंचायतों में आवास शिक्षा मनरेगा बिजली पानी समेत जन सरोकार से जुड़ी विभिन्न विषयों में संबंधित कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रखंड प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। प्रखंड कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही है और जो हम लोग काम कर रहे हैं करने के लिए वो काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसी के विरुद्ध हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग को जीत गया हुआ लगभग 14 या 15 महीना हो गया लेकिन अभी तक जो जन सरोकार की जो योजनाएं पंचायत में संचालित हैं सरकार के द्वारा, जैसे मैं आता हूँ आवास प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, तो 15 महीना हो गया लेकिन आज तक बहुत ऐसे ज़रूरतमंद जनता है जिसको आज तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ से वंचित है वो लोग और सरकार का पोर्टल खुलता नहीं है जिससे उनका नाम उसमें ऐड हो सके और उनको ससमय उनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जा सके। कई बार हम लोग के द्वारा मांगा भी गया है, उसके बाद से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन आवास योजना का भी आया था लेकिन वो पेपर में ही रह जाता है, कभी पंचायत में
जांच नहीं होता। सभी मुखिया जी लोग आज धरना पर बैठे थे और विभिन्न मांग था विभिन्न विभागों से संबंधित, उन मांगों से संबंधित ज्ञापन ले लिया गया है और जो भी संबंधित समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन किया जाएगा। इनकी समस्या भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से सुन लिया गया है और जहां तक हो सके समस्या का निष्पादन का प्रयास किया जाएगा। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग